रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है उसकी कौन सी साइड हाइपोटेनस होती है, कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी बेस। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं जो 90 डिग्री का हो, ठीक है, 90 डिग्री का हो जिसका एक एंगल यानी कि राइट एंगल हो जिसका एक एंगल क्या हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है हाइपोटेनस साइड को पहचाना बहुत आसान है। हाइपोटेनस उस साइड को कहते हैं जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड हो, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन से होते हैं, अगर हमारे पास थीटा गिविन है, ठीक है, जिस साइड का थीटा हो, थीटा के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और जो 90 और थीटा के जो एक ही साइड होती है जिस साइड से जुड़े हों 90 डिग्री और थीटा, वो साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस शेप में हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अगर जो इसका थीटा की साइड जो है हमें गिवन है वो ये है थीटा, तो अब ये थीटा और 90 डिग्री के जो साथ वाली साइड है ये बेस है, और ये 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ये है हाइपोटेनस, और जो थीटा के सामने वाली साइड है, थीटा के सामने वाली साइड वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अब अगर इस सूरत में हमारे पास एक राइट ट्रायंगल हो तो ये क्या है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। अगर ये हमारे पास थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो थीटा और 90 डिग्री की जो सेम साइड है वो कौन सी होगी, बेस साइड होगी। ठीक है, आप समझ आ गए होंगे किस तरीके से हमने साइड्स को पहचानना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।